राम राम जी, राधे की रसोई में थारा स्वागत है। मैं ठंडा ही बना के दिखाऊंगी। तो मैं ये बीज ली हूँ, थोड़ा खसखस वाला, और थोड़ा पिस्ता का दाना है, और थोड़ी सौंफ है, ये खसखस का दाना है, और थोड़ी सी केसर है, 8-10 इलायची हैं, और 8-10 ही काली मिर्ची हैं। इन सब ने मैं मिश्रण ना मिक्सी का जार में पीस कर तैयार करूंगी। और चीनी ली हूँ 8 में 1 कटोरी छोटी, यो जितना मिश्रण पूरा है उससे डबल चीनी ली हूँ। तो मैं ये मिश्रण ने पहले पीस कर तैयार करूँ। पूरा मिश्रण पीस के तैयार है। अब सबसे पहले मैं कढ़ाई ने रखी हूँ, कढ़ाई में चीनी डालूंगी, और चीनी डालने के बाद में जो मिश्रण बनाई हूँ इन पूरा ने मैं छानूंगी। मैं छलनी में डाल के, और इन चार चीनी के अंदर मतलब इतना ही डालना तो अपन पानी, ताकि चीनी की चाशनी गाढ़ी हो सके और आप जार में भर के रख सके। या केसर या ठंडाई बनेगी जोरदार, जब इन्हें पानी में मिला के पियोगा तो बहुत अच्छी खुशबू आओगी और बहुत अच्छे टेस्ट आओगे, और दिमाग ने तरोताजा करने वाली है एकदम। तो इसके अंदर मैं चीनी पकाऊंगी। अदरक बॉटल में है, एकदम बराबर चलाते रहना जब तक कि गाढ़ा पड़ने में आओ। बढ़िया से उबालनी है इन्हें एकदम, ताकि चीनी पक जाओगी तो तुरंत पानी ले और पानी में मिलाओ और पियो। अभी देखो कितनी बढ़िया से उबाल आ रही है, एकदम पक्का तैयार है। देखो गाढ़ा पड़ा हुआ है एकदम, और लगभग 1/2 से 1 घंटा तक इन्हें पूरा ठंडो करना है। और ठंडो करने के बाद इन्हें मैं जार में भी डालूंगी और थाने बना के भी दिखाऊंगी कि तरीका से थाने शरबत बना लो। रेडी हो गया, तैयार होगी है, इन्हें मैं जार में भर रही हूँ। इस तरीका से पूरा जार में डाल के रख देना है। ध्यान रहे एकदम ठंडो होने के बाद, अगर गर्म ने डालोगा तो खराब भी हो सके। एकदम ठंडो होना, 1/2 से 1/4 घंटा एकदम ठंडी करके फिर इन्हें इस तरीका से जार में भर देना। तो मेरी बहुत बढ़िया ठंडाई की रेसिपी है, पुराना जमाना की दादी नानी का युग में बनाया करती इस तरीका से, तो इस तरीका से थे जरूर बनाए। अब देखो इन बनाने को तरीको है, 2 चम्मच 1 गिलास में डाली, बच्चा बूढ़ा जवान सब पियो। चीनी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ठंडो पानी डालना है इस तरीका से, और यह ठंडाई बन के एकदम तैयार। अब आइस की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठंडो पानी डाली हूँ ना, एकदम तैयार है।